क्या होगा जब इस तरह गया, यानी कि आपने क्या करना है कि आपको रास्ते में कौन मिल गया, ex मिल गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया। और ये f(x) जो है ये कुछ भी हो सकता है, ये अलजेब्रा भी हो सकता है, ट्रिग्नो भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या, दे आर टोटली डिजाइंड क्वेश्चन कि अगर जो फंक्शन पढ़ा है ना उसका डेरिवेटिव साथ में पढ़ा है। अब ये हमें डायग्नोज करना है, क्या डायग्नोज करना है कि कौन फंक्शन कौन डेरिवेटिव हमने किया हुआ है। जब स्टार्टिंग में हमने बेसिक किया था, क्या थी वो, बार बार याद कराता हूँ, f(x) / log(f(x) + c। एक और किया था, क्या था, f(x)(n)(f)(x)(n+1) + c। ये याद रखा करते हैं, एक ही कैटेगरी में एक ही फोल्डर बना लो कि यहाँ फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आ जाए, छोटी सी डेरिवेशन है, देख लेते हैं एक बार के कैसे चलेगी, ताकि आपको आगे का एल्गोरिदम पता लग जाएगा कि क्वेश्चन को चलाना कैसे है। सबसे बड़ी बात तो बस यही है कि फंक्शन कौन और उसका डेरिवेटिव कौन। तो देखो, अगर इसी को हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे कि इंटेग्रल ई एक्स और f(x), चलो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी और ई एक्स को f(x) के साथ भी मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। चलो जी, dx पड़ा साथ में, ठीक है। अब करना है क्या है, आपने जो फंक्शन वाला पोर्शन है सिर्फ उसी को इंटेग्रेट करना है, दूसरे वाले को इंटेग्रल नहीं करना, याद रखना। चाहे आप इसको लेट चलो आई कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ले लिया, ठीक है। अब आईलेट क्या कहता है, आईलेट क्या कहता है, ILATE, जैसा 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 मर्जी फंक्शन हो, ई ने तो एंड पे आना है, ई ने तो एंड पे ही आना है, चाहे कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, चाहे लोगैरिथम है, चाहे अलजेब्रा है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री है, जैसा मर्जी फंक्शन है, उन्होंने फर्स्ट ही बनना है जब ई के साथ आ गया, ठीक है। ये डन हो गया, फिक्स हो गया कि ई तो सेकंड ही बनना है, तो इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ये तय है। तो यहां पे कोई जिद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है कि ई ने तो सेकंड ही बनना है भैया, अलेट में ई सबसे एंड पे आता है, डन हो गया ये। चलो अच्छा, अब इसको इंटेग्रल करेंगे हम, क्या कहता है इंटेग्रल, क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन, बोलो फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जो कि f(x) ही है, इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड का। चलो अच्छा लग रहा है, आपको फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है जी, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। नाउ अब भैया ex का तो ex ही होता है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, बोलिए ex, चलो पहले लिख देते ex f(x), f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, f(x) होगा, क्या होगा, f(x) होगा, ठीक है भैया। ex का कोई चक्कर ही नहीं है, इसका तो है ना, कोई चक्कर ही नहीं। कहने का मतलब ex f(x) नहीं बन गया ये, और भैया आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, हम मैंने तो इसी को इंटेग्रल किया ना, ये कौन है, पॉजिटिव ऑफ e(x) इनटू f(x), व्हाट दे विल डू, दे विल कैंसिल ईच अदर टोटली, सोची समझी चाल है, पूरा डिजाइंड है ना, कि इस तरह से होगा कि अगर आपका जो ये वाला पोर्शन है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, अगर ये पोर्शन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, आंसर गारंटेड यही आना है, यही आना है ex f(x). बस नजर ये तेज रखनी है कि कौन फंक्शन कौन उसका डेरिवेटिव। आई डिड नथिंग, आई जस्ट इंटीग्रेट, मैंने क्या किया, फंक्शन वाले को अलग छोड़ा, उसको नहीं छेड़ा, मैंने सिर्फ इस पोर्शन को इंटेग्रल किया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल कहता है, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो ये यू भी है इंटीग्रेशन का, ये आपको पता है, किया हुआ है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लास्ट लेक्चर में किया था हमने। तो f(x) एज इट इज, ex का ex हो गया खत्म, f(x) का डेरिवेटिव करना है, f(x) का करना है, सॉरी क्या बन गया, f(x), ex का ex, आगे नहीं किया। ऐसा करने से हमने देखा कि भैया ये तो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स बन गए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, यही कहता है, क्या कहता है, ex f(x) + this, आंसर क्या है, ex function + c, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा, इसको नोट करो, लेकिन तो देखो हम सब्जेक्टिव वे से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा,
आप इसको अलग अलग कर दीजिए। अच्छा देखो, इतने इंटीग्रल इतना डिफरेंशियल किया है हमने, पता तो लग ही जाता है कि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, पता लग जाता है, इतना तो आप पहचानते हो। तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल ई ऑफ एक्स 1/x स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ने का। किसको नहीं छेड़ने का? एफ डैश एक्स वाले पोर्शन को नहीं छेड़ना, उसको तो हमने बार के बारी खत्म करना है। अदरवाइज अगर सोचो, अगर ये टॉपिक ना होता तो मैं ये मानता हूं ये अनएंडिंग होता, ये अनएंडिंग होता, इनका कहीं एंड ही नहीं होना था। इसको फिर करते चले जाते आगे, इसको फिर ये कहीं खत्म ही नहीं होना था। कभी पंगे लेके देखना, बैठना कभी। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो अब जल्दी से कर देना है, बोलिए क्या करूं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस का होल डी एक्स, इसको नहीं छेड़ना, एज इट इज रखना है, बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ई एक्स 1/x माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही है, ई एक्स इंटीग्रल क्या आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, वो माइनस माइनस उसको प्लस कर देगा, ठीक है जी। गारंटेड इनवर्स बनना है, गारंटेड, ये खत्म हो गया, आंसर आ गया ई एक्स इंटू 1/x प्लस सी, ठीक है जी, आंसर आ गया। इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, डन है, ओके। हाँ जी, अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो देखो करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया किसने रोका है, पर हम सब्जेक्टिव वे से ही कर रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव भूल जाया करते हैं शॉर्टकट्स, है ना जी, इसलिए सारा शो कर रहे हैं हमने। अभी तो बड़ा आसान लग रहा है ना आपको, क्योंकि आपके दिमाग में बस गया भाई है कि कट जाता है कट जाता है, पर देखो है ना उस वक्त याद हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए सारा शो करना है। तो दूसरा देख लो एक बार दूसरा देखो, चलो एनसीईआरटी में साथ साथ हम करते चल रहे हैं। ई एक्स, अब डिसीजन आपने लेना, मैं नहीं बताऊंगा, पहले में तो पता लग रहा था कि कौन एफ ऑफ एक्स कौन एफ डैश एक्स, जल्दी से कर डाल दिए इसको, जल्दी से सब्जेक्टिव वैसे करेंगे, थोड़ा जल्दी तीसरा लिख देता हूँ, छोटा सा सवाल है ये, तो तीसरा भी लिख देता हूँ। अब देखो ये आ गया साइन ऑफ, इसके साथ देखते हैं आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। करना है क्योंकि नो यू कैन डू साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स डी एक्स, ये हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में किया था जब हमने रिलेशन सेट किया था, किसका, लॉग और ई का, लॉग और ई का। तो क्या करेंगे हम, देखो तो अगेन बात मजबूरी ये है कि ये जो यू नो फॉर्मूले हैं, ये जो टाइप है, ये मशीन तभी काम करती है जब ई एक्स हो, है नहीं है, मजबूरी है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, सबसे पहला अटैक पुट एक्स इक्वल टू लॉग टी, आगे बता सकता कोई, आगे बता सकता है एक्स को अगर लॉग टी करेंगे तो एक्सपोनेंशियल कहां से आएगा, सोचो जरा एक बार, लॉग जब उधर जाएगा याद कर लो एक्स इक्वल टू ई की पावर टी, गेम ओवर। ये था कि लॉग जब उधर जाए, किया हमने जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर वगैरह जो भी होते हैं, लॉग जब जाएगा तो ई और ये जो इधर पड़ा एंगल वो उसकी पावर में जाएगा। अब से याद रख लो कि लॉग एक्स अगर ऐसे है, इस तरह की शेप है, तो जब लॉग उधर जाएगा तो जिस तरह भी कह लो, हाँ जी, लॉग एक्स है तो ई और लॉग कैंसिल हो गया, ऐसे कह लो, ठीक है, लॉग ई वन होता है, जिस भी लिहाज से कह लो। चलो ये क्या, अच्छा अभी क्योंकि हम क्वेश्चन को किसमें लेके जा रहे हैं, टी में, किसमें, किसमें पड़ा है एक्स में, क्योंकि वो पंगा है ना, रिस्पेक्ट भी टी होनी चाहिए, तो पुट करना पड़ेगा। बोलो भैया क्या करूं, तो वन डी एक्स इक्वल टू ईटी डीटी, वन डी एक्स ईटी डीटी, डीएक्स की सीधी सीधी वैल्यू ईटी डीटी, तो ई पैदा हो गया, ईटी आ गया, डीएक्स की जगह कौन आ गया, ईटी आ गया, साइन लॉग क्या पुट किया है, तो बस गेम ओवर होगी, साइन टी प्लस कॉस टी, गेम ओवर, ऐसे बन गया। तो सेम आंसर बता सकते कोई, सेम बन गया वो एक्स में, ये ई टी साइन टी आंसर हो गया इसका, और फाइनली क्या आंसर दे दोगे, एक्स में पहुंचाना है ना वापस, करो इसको, करो 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 करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये इजी मैंने छोड़ दिया। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा था ई एक्स साइन एक्स,
प्लस सी, नहीं इसका इसका है ना, इसका क्या आ रहा है, इसका ले दे के सारा करके एक्स साइन ऑफ, क्योंकि दोबारा जब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब लाइट चली गई कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ रहा है इसका आंसर। तो कुछ और थोड़े से देख लेते हैं, क्योंकि जो टाइप छिड़ा है अब उसको निपटा के ही छोड़ेंगे। ठीक है जी, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब देखो जहां आपको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, आई गेस दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, ई एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर नीचे है डी एक्स। ले पंगा, आई रिपीट, ई एक्स ये एक्स पड़ा है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब तक आपको पूरा पका के दिया सारा कुछ कि भैया लो ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो भैया आप क्लास 12 से बात कर रहे हैं, कुछ इस तरह से करेगा जहां आपको क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ ट्यूनिंग करो। तो देखो आई होप आप समझ गए कि ये तो टाइप ही नहीं बना, कुछ बन रहा है, यानी कि दो होने चाहिए, दो होने चाहिए, तो एक ही लग रहा है। तो इसलिए आप क्या करोगे, प्लस 1 माइनस 1 सबसे पहला अटैक इसका ये होना चाहिए कि एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो बेटा एक बार ये इसके नहीं चले जाओ, ये थोड़ी सी है, ये प्रैक्टिस से ही आएंगी चीजें धीरे धीरे धीरे, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए फिर भी इंटीग्रल के क्वेश्चन फंसा लेते हैं, चीज ऐसी है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, गेम ओवर, आंसर आ चुका है। अब आप खुद समझदार हैं, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है ना। इसको 1 अपॉन एक्स ही ट्रीट करोगे ना, इसको एज अ होल 1 अपॉन एक्स ही अगर ट्रीट करो, इज वन ऑफ द सेम थिंग है ना। 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, रादर वो प्लस कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर यही आ गया, ई एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। दिस इज गुड वन, आई हैड रिटन याददाश्त चेक करो .com, याददाश्त मैं याद दिलाता हूँ, गुरु याद कराता है, याद रखना। और अब बता के पक्का भी हो जाएगा, ऐसा भी है बार बार जब रिकॉल होता है। आई सेड व्हेनेवर व्हेयरएवर द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, कुछ सोचना समझना नहीं है, क्या करना, द वेरी फर्स्ट स्टेप शुड बी डिवाइड एनआर बाय डिनोमिनेटर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, और भी हो सकते हैं चीजें इसकी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है, दे दो 2x प्लस है ना, प्लस 2x माइनस 2x, वो भी सही अटैक है ना। पर ये इस क्वेश्चन के लिए वो भी कर सकते हैं ना, कि ये सेम चीज बेटे ऊपर क्रिएट कर दो है ना। तो जब आप डिवाइड करोगे तो बेटे क्या बन रहा है, डिवाइड करके ई एक्स क्या बन रहा है, 1 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड आपको करना आता, ये बन गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये दो तो बने हैं, लेकिन ये थोड़ी कह सकते हैं इसका तो डेरिवेटिव भैया जीरो होता है, इसलिए क्या किया जाएगा, देखो क्यों ये लेवल 2 बनाया गया। अब आप क्या करो, ये दे दो ई ऑफ एक्स दे दो, इनको दे दिया डी एक्स माइनस 2 इंटेग्रल ई एक्स, कौन बचा, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखा देखा नहीं लगता, अभी तो पहला था, इसको कैसे पहला था बोलो, प्लस 1 माइनस 1, ई एक्स का ई एक्स हो गया, ई एक्स का ई एक्स। दुनिया क्या करती है, जनता क्या करती है, इस 2 को भूल जाती है, 2 को डालो ब्रैकेट में ऐसे बड़े और इसके साथ वही सलूक कर दो, क्या प्लस कर दो और माइनस कर दो, उसके नीचे और उसके नीचे, फिर ये बन जाएंगे क्या, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, कर डालिए जल्दी से। तो कई बार वो चुरानी पड़ेगी चीज आपको, आपसे वो डिमांड कर रहा था कि याद है कि नहीं, पावर दिखे कि नहीं इक्वल डिवाइड। तो देखो क्या टाइप है, प्योर याद करने वाली टाइप है, क्या है, ई ई एक्स, ई का कोई एंगल होगा साइन बी एक्स या ई एक्स कॉस बी एक्स होगा। दिमाग कहता है, दिमाग क्या इलेट कहता है, अभी टाइप किया, क्या टाइप किया कि सर आपने ही तो बताया कि ई को क्या लेना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट लिया जाता है, सेकंड फंक्शन लिया जाता है, फंक्शन चाहे जो मर्जी हो, जैसा मर्जी फंक्शन हो, उसको क्या लिया जाता है, फर्स्ट लिया जाता है। लेकिन ये दो ऐसी टाइप है, इतनी इंपॉर्टेंट टाइप है, जहां हम आइलेट को वॉयलेट करेंगे, लिखो वॉयलेट
वॉयलेट आईलेट, वॉयलेट हमारे दिमाग, ये मजाक नहीं है, ये साइंटिफिक वे है टीचिंग का। हमारा दिमाग ऐसे वर्ड याद रखता है, बोर्ड में या कंपटीशन में जाओगे ऐसे वर्ड याद रखा कि सर ने ना वो बोला था ई वाला और साइन वाला, ई वाला कॉस वाला, कि आईलेट को वॉयलेट करना है, वॉयलेट आईलेट। इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने ई एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेना है, वॉयलेट ही हुआ ना फिर आईलेट। तो व्हाट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू इंटीग्रेट दिस बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, बाय वॉयलेटिंग आईलेट, टेकिंग दिस एज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज एज अ सेकंड फंक्शन। इसको आई लेके चलो चलो लग जाओ मजदूरों काम पे, लग जाओ काम पे, इसको करो जरा इंटीग्रेट करो, इसको बाय पार्ट्स लगा दो इसमें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जल्दी से कर दीजिए जल्दी से। ओके तो देखो पंगा यही है कि साइन और कॉस फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है, होगा क्या? अच्छा बॉयलेट तो भैया कर दिया, लेट स्टार्ट। फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड का होल डी एक्स हम करने वाले हैं। तो ये आई चल रहा है भाई और बहनों, आई चल रहा है ये ई एक्स, साइन का क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस पहले लगा देते हैं यहां कॉस बी एक्स अपॉन बी, है ना, जो एंगल होता है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई चलती है और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवाइड होता है, यहां डिवीजन चलती है। इसका तो भैया हो गया काम। नाउ इसका क्या होगा, इसका नीचे आएगा ना ये, इसका आ जाएगा वन अपॉन ए ई एक्स, नो 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 सॉरी, ये तो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन क्या है ए ई एक्स। अच्छा ये माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, क्या लिखूं cos bx अपॉन बी, बोलो ठीक है जी यहां तक। अब क्या करना पड़ेगा, एक बार और लगाना पड़ेगा, एक बार और वॉयलेशन, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये तो हो चुका। I इज इक्वल टू माइनस माइनस है ये ई ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन बी है जी, ये a अपॉन बी बाहर निकाल लेते हैं, पंगे ना पड़े, ब्रैकेट डाल देते हैं, अगेन वही प्रोग्राम, फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ, शायद अब दिखने लगा होगा कुछ क्वेश्चन कि करने क्या वाले हैं हम इसके साथ, करने के वाले हैं, ऊपर वाला मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है जी, थोड़ा स्पेस चाहिए। अब देखो क्या होने वाला है इसके साथ। हाँ जी, तो I इज इक्वल टू, I बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार लिख रहा हूं, कोई मतलब है, माइनस ई ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन बी प्लस ए बाय बी बाहर पड़ा है, और इसको इसका सिंपलीफाइड वर्जन, कॉस का तो साइन ही होता है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका, साइन ई ए एक्स साइन, अच्छा इसका मैंने कर दिया था फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल, ठीक है, कॉस का साइन बन गया और इसके नीचे बी आ गया, माइनस ई ए एक्स का क्या हो रहा है, ई ए एक्स का ए ई ए एक्स कॉस का साइन बी एक्स अपॉन बी, देखो बिल्कुल वैसा सा ही क्रिएट हो गया, बड़े ध्यान से बड़े आराम से, माइनस ई ए एक्स cos bx upon b, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, देखो ये कौन है, ये i बन गया दोबारा, क्वेश्चन क्रिएट हो गया भाई और बहनों, देखो ये कौन है, देखा देखा लगता है ये दोबारा i क्रिएट हो गया, दोबारा i हो गया, होना ही था ये, ठीक है। तो i जब ये क्रिएट हुआ, अब a by b का भी सिस्टम सेट करना है, a by b ये वाला बाहर पड़ा है, ए एक्स साइन बी एक्स, गलती के चांस बहुत ज्यादा, मैं कुछ स्टेप नहीं मिस कर रहा हूं, माइनस ए बाय बी आई, बोलो लिखना गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बाय बी को, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रल तो परफॉर्म हो चुका है, ये आई पड़ा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू माइनस ई ए एक्स
cos bx upon b, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a by b square e ax sin bx minus a square upon b square i. इस i को इधर लाता हूं अब मैं, ये प्लस में आ जाएगा, तो यानी कि ये हो गया i plus a by b rather i कॉमन, चलो चलो अगले स्टेप में करते हैं कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, माइनस ई ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन बी पड़ा है प्लस ए बाय बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स पड़ा है। एलसीएम लिया जाएगा, बस अब दिल्ली दूर नहीं है, पहुंच गए, बस हम पहुंच गए, डेरिवेशन हो रही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चाहे लिखो, नीचे ये आएगा और यहाँ आई आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस, बस इसको तो ऐसे लिखना है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है, एलसीएम लिया जा सकता है, बी स्क्वायर एलसीएम आ गया तो ये बी ऊपर आएगा माइनस बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ई, अब थोड़ा ढंग का लग रहा है, अब थोड़ा ठीक सा लग रहा है, बी है तो ई ए एक्स कॉस बी एक्स, ए है तो ई ए एक्स साइन बी एक्स, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स माइनस बी ई ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ई ए एक्स साइन बी एक्स, हो ये आंसर आ गया जी इसका, मैच कर लेते हैं एक बार, यही है ई ए एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है बिल्कुल सही जवाब है ए साइन, इसका और थोड़ा सा सिंपलीफाई वर्जन उसने ये किया कि ई ए एक्स कॉमन निकाल लो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, किया जा सकता है, थोड़ा याद करने में थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, क्या ये कह रहा है कि ये ई ए एक्स कॉमन ले लो, ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर पहले पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, तो क्या है ये a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, सुनहरे अक्षरों में लिखना है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइप है, अगर जेई में आ गया तो कई बार एक क्वेश्चन जिंदगी बना देता है, ये आप जानते हो, ठीक है जी। तो देखो अब मुझे लगता है याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आना है, कोफिशिएंट के सम का स्क्वायर आना है, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स आना है, ठीक है जी। तो अब दूसरी डेरिवेशन आप खुद ट्राई करोगे, दूसरी डेरिवेशन कौन, दूसरी डेरिवेशन ई ए एक्स कॉस बी एक्स, थोड़ा जल्दी करना है, चलो जी चलो संभालो, ऐसा करके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसा करके फिर बड़े बड़े क्वेश्चन को समझोगे नहीं आप, शाबाश सॉल्यूशन आपके सामने है, आपने जो अभी किया जैसे साइन के साथ ट्रीटमेंट की गई है वैसे कॉस के साथ करना है आपने, और मुझे फाइनल रिजल्ट बताओ। चलो तो भाई कॉस का नहीं कर सकता मैं, कॉस का रिजल्ट आ रहा है सेम ही आएगा, तो ध्यान से याद रखना ए कॉस बी एक्स, कैसे याद किया हमने ये, अगर साइन है तो साइन का क्या आ रहा है डेरिवेटिव, नहीं साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस होता है, इसलिए यहां माइनस आ गया, ऐसे याद रख लो, ई एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में सेम आएगा ए साइन। अब अगले जो क्वेश्चन है आपको चलो इतनी मैं फ्रीडम दे रहा हूं, ठीक है कि इतनी डेरिवेशन भी करके चलो क्या है, आपने क्या करना है डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है जी, लेकिन जल्दी करना है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने हैं डायरेक्ट, यानी कि आप देखो आपको चाहिए क्या, आपको ए चाहिए और बी, ए और बी का तो खेल है सारा, तो ये आपने डायग्नोज करना है, जो अगले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बहुत जल्दी से ऑब्जेक्टिव वे से आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है इंटीग्रल ई टू एक्स साइन थ्री एक्स डीएक्स, आग लगी है इस तरह से करना है, आग लगी है, शाबाश। अगला है ई माइनस दिस दिस, ऑब्जेक्टिव में तो आग ही लगनी चाहिए, तो इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि नो डेरिवेशन, कोई फर्स्ट नहीं कोई सेकंड नहीं, चक दो ग्रीबी, ई ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये तंग कर सकता है आपको, और मुझे क्या बेटे आपको करेगा ना,
चलो साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, करते चलो मैं लिखता चला जाऊंगा और तुम फटाफट से निपटाते चलो इनकी गेम में। और ये अच्छे से आपने नोट तो कर लिया, ये कर लिया आपने नोट, ठीक है, इनको तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। अगर आपने अच्छे से डेरिवेशन करी है तो जो करता है ना डेरिवेशन उसको फिर रिजल्ट भी याद रहते हैं। चलो जी चार ये हैं, लगे हाथ इनकी गेम ओवर कर ही देते हैं। अब जो पांचवा है थोड़ा सा इनसे अलग है, जिसमें थोड़ा सा पकाना पड़ सकता है, ई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये थोड़ा पकाने वाला है। समझ गए आप क्या कहना चाहता हूँ, एक तो और लिख देते हैं। चलो बस इन्हीं की गेम बजा दो और इनसे ये टाइप आपका पक्का हो जाएगा, एक क्वेश्चन जे का पक्का हो सकता है इन क्वेश्चन करने के। मुद्दा ये है टाइप याद रखनी है, रिजल्ट याद रखना है डायरेक्ट। सो देख लो ध्यान से देख लो, देखो इसका आंसर अगर डायरेक्ट रिजल्ट है, बोल कोई रिजल्ट याद हुआ किसी को, रिजल्ट याद हुआ ई ए एक्स साइन बी एक्स का क्या है, ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, और ई ए एक्स कॉस बी एक्स का ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ जाएगा कॉस पहले आएगा ई सॉरी ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है ये रिजल्ट याद हो गया। तो इस तरह से ये ए का काम ए कर रहा है, बी का थ्री कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए नीचे थोड़ी। यहां पर ए का काम माइनस वन कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, वन ही कर रहा है ना, ये आंसर आ गया। यहां पर ए का काम ए ही कर रहा है, बी का काम बी ही कर रहा है, लेकिन जब वो एंगल में आएगा तो थोड़ा सा अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा इसके साथ क्या किया, अच्छा देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था कॉस, ये किया पुट किया क्या है ना, तो ये बन गया, वो शेप बन गई है इसका जो आंसर, मैं आपको डेरिवेशन करने के लिए नहीं कह रहा हूं इनको, तो बच्चे इसका जो आंसर आना चाहिए क्या आ रहा है इसका, वैसे आपका इसका आ रहा है, ये फोर्थ का लिख रहा हूं जी, फोर्थ का आंसर आ रहा है बेटे, मैच करो एक बार, x बाय टू आना चाहिए क्योंकि e नहीं आएगा ना, x बाय टू, आगे बोलिए साइन ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x प्लस सी, डन, ये भी मैच कर गया, ये भी कर गया। अच्छा इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करिए, इसके साथ किया किसी ने, इसका आंसर बताओ जरा, शाबाश इसका आंसर, हाँ जी इसका हुआ, तो देखो ये शेप तो बनानी पड़ती है, इंटीग्रल ने हमें ये सिखाया कि पावर को रिड्यूस करना सिंगल में करना, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हमने किए, तो पहले तो इसको शेप देनी पड़ेगी, ई एक्स आपको पता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स ही तो होता है, लगे हाथ माइनस का भी याद कर लो क्या होता है भैया, 1 माइनस कॉस टू एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये तो पहले वाली शेप है, तो क्या करोगे 1 प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, ये बाई टू बाहर ही रखो। अच्छा क्या है ये, अब ये ओपन अप करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाय टू ई एक्स इंटीग्रल सॉरी ई एक्स 1 डी एक्स प्लस बोलो ई एक्स कॉस 2 डी एक्स, ये डिमांड है बोर्ड की आपसे, ये डिमांड है कंपटीशन वालों की कि आप ओपन अप करो खोलो है ना जी यूज करो ई एक्स बाई टू, ये तो साथ ही चलेगा। और इसका आपको पता है इसका जो फाइनल आंसर ले दे के आ रहा है वो क्या आ रहा है, ई एक्स बाई टू ई एक्स अपॉन 10 ब्रैकेट ओपन कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x, ये है ना, ये आंसर है, ठीक है। अगर हिंट या वो चीज क्रैक होगी फिर मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।